एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। बांद्रा ईस्ट के दफ्तर में बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारी। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। कुपर अस्पताल में हो रहा बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम, की जा रही है वीडियोग्राफी। अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का बेटा भी मौजूद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स की हुई पहचान। एक हरियाणा का रहने वाला करनैल सिंह है, दूसरा यूपी का रहने वाला धर्मराज कश्यप है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से होने का किया दावा। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन, सीएम शिंदे के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान आया सामने, कहा आरोपियों को कर लिया गया है गिरफ्तार, मामले की जा रही है जांच। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर आदित्य ठाकरे का पोस्ट लिखा, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर का बयान आया सामने, कहा गंभीर हालात में अस्पताल लाए गए थे सिद्दीकी, देर रात 11:15 बजे तोड़ा दम, सीने में लगी थी गोली। बाबा सिद्दीकी के साथ हुई घटना पर चश्मदीद चायवाले का बयान, कहा पटाखों की आवाज के बीच हुई थी फायरिंग। फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। दिल्ली के स्पेशल सेल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ मधुर उर्फ अयान नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य है आरोपी। पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। मूर्ति विसर्जन करने जा रही डीजे ट्रॉली को कार ने मारी टक्कर। लोगों ने कार में की तोड़फोड़, चालक को जमकर पीटा। कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। यूपी के रामपुर में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, दो गुटों में पथराव, जमकर चले लाठी डंडे, 7 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पुलिस हिरासत में, युवक की मौत पर हुआ जमकर हंगामा। परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने 2 युवकों को उठाया था। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में रेल हादसा हुआ है, आपस में टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की। बाबा सिद्दीकी को किसने मारा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में चल रहा है। मुंबई का कूपर अस्पताल जहां पर चल रहा है पोस्टमार्टम, शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो रही है। बाबा सिद्दीकी का बेटा हॉस्पिटल में मौजूद है। बीती रात गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया था। तीनों हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया, दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश जारी है। लेकिन यह बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर अस्पताल में फिलहाल किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, बिश्नोई गैंग के, यह बताए जा रहे हैं, और 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि 1 की तलाश लगातार जारी है। 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और आपको यह भी बता दें कि फिलहाल बाबा सिद्दीकी का बेटा हॉस्पिटल में मौजूद है क्योंकि बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बीती रात गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। 3 हत्यारे थे जिन्होंने गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। पहली तस्वीर में आप बाबा सिद्दीकी को देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए सुपारी देकर मारने का शक भी जताया जा रहा है। और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश के पास चलेंगे। सत्यप्रकाश, इस समय जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम अभी भी जारी है, बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है वो भी वहां पर मौजूद है, और क्या अपडेट मिल रहा है?
देखिए आधे घंटे पहले ही कूपर हॉस्पिटल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। उनका बेटा मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं और इस पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी किया जा रहा है क्योंकि मामला बड़ा है। इसको देखते हुए डॉक्टरों की एक टीम है जो कि पोस्टमार्टम कर रही है। मैं उस घटनास्थल पर मौजूद हूँ जब देर शाम कल यहाँ पर फायरिंग हुआ था बाबा सिद्दीकी पर। इसी जगह पर, यही जगह पे है जब बाबा सिद्दीकी अपनी कार के पास पहुंचते, यहीं कार पार्किंग था और यहीं पर जो शूटर थे पहले से तैयार खड़े थे और बाबा सिद्दीकी जैसे गाड़ी के पास आते हैं वैसे ही शूटर बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 6 राउंड फायरिंग किए थे। ये देखिए तस्वीरें, जो देखिए मुंबई पुलिस द्वारा जो गोला बनाया गया है इसी जगह पर जो सेल मिले थे पिस्टल के और यहीं पर मिले थे। तो बाबा सिद्दीकी की गाड़ी यहीं पर मौजूद थी और बाबा सिद्दीकी लगभग 50 मीटर दूर पर ही बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है, वहाँ से यहाँ आ रहे थे और शूटर पहले से आकर बैठे थे और एकाएक फायरिंग करते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, पुलिस वाले भी मौजूद थे। यहाँ पे एक दो पुलिस वाले नहीं, कई पुलिस वाले भी मौजूद थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना कि काफ़ी पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे और पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा वारदात का अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं पहले ही पूरी तरह से ये रेकी किया गया, साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि पहले से ही पूरा प्लान तैयार किया गया था शूटरों द्वारा, इसके बाद घटना का अंजाम दिया गया। यही जगह है जब कल देर शाम को लगभग 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी कार पर फायरिंग हुआ और जो बैठ रहे थे कार पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ और 500 मीटर दूरी पर ही ऑफिस है। पुलिस कहना है कि इस मामले में 2 लोग को अरेस्ट किए हैं जो उनसे लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं, देर रात तक पूछताछ किए हैं। तीसरा आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 8 टीमें गठित की गई है और 8 टीम अलग अलग लोकेशन पर गई है और पता करने की कोशिश कर रही है कि जो तीसरा आरोपी है वो कहाँ है। साथ ये पता करने की कोशिश कर रही है कि किस एंगल से इस हत्या का अंजाम दिया गया है, सारी चीज़ों को पता कर रही है हर एंगल से। मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही, क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है, सरकार की तरफ से बिल्कुल सत्यप्रकाश आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से 8 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर बाबा सिद्दीकी का हत्यारा कौन है। अब आपको दिखाते हैं कि हत्या कैसे हुई थी। देखिए रात 9:15 बजे से 9:20 के बीच ऑफिस के बाहर ये हुआ, ऑफिस के पास पटाखे जला रहे थे। बिल्कुल, और आपको बता दें कि ऑफिस के पास जब वो पटाखे फोड़ रहे थे उसी दौरान उन पर ये हमला हुआ। ऑफिस के पास ही एक राम मंदिर भी था, ये भी आपको जानकारी दे दें। तीनों ने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था, यानी नकाब से ढका हुआ था अपना चेहरा ताकि कोई पहचान ना पाए, और तीनों ने चेहरे को ढका हुआ था। 3 राउंड फायरिंग की गई थी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। 3 हत्यारे थे वहां पर जिन्होंने गोली मारी और सीने में वो गोली लगी जिसके बाद वो गिर गए। लोगों ने उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। तो किस तरीके से हत्या हुई ये हमने आपको बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। सवाल यही कि आखिर उनका हत्यारा कौन है। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी को गोली उनके दफ्तर के पास ही मारी गई। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनवाते हैं आपको। कल जो है घटना घटी, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में, कैसे क्या हुआ, क्या कुछ पता चला आप लोगों को, कैसे हुआ? नहीं पता तो नहीं चला जी, लेकिन लोग कई बातें किए। ये ठीक ऑफिस के सामने आपकी दुकान है, डेली कहीं ना कहीं बाबा जो है वो डेली चाय पीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आते हैं तो चाय तो पीते ही हैं, यहीं से चाय जाती। हाँ, यहीं से जाती है। कल भी उन्होंने चाय पी थी आपके पास? हाँ, आए थे 4 बजे के 5 बजे के आसपास आए थे और रात तक थे। हाँ। दोनों जन थे, बाप बेटे दोनों जन। क्या कुछ बातें हुई थी लास्ट टाइम? नहीं, वहाँ पे हम थोड़ी गए थे सिर्फ। क्या बातें हुई है नहीं पता। हाँ, लेकिन उनका व्यवहार कैसा रहा? अच्छा, आम पब्लिक की तरह तो थे, आम पब्लिक की तरह घूमते थे। जब उतरते थे तो सिंपल चलते आते, कहीं भी खड़े होके किसी से भी बातें करते। मतलब अच्छे से व्यवहार करते थे। हाँ। और यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है जहाँ पे उनको गोली हाँ। मारी गई? नहीं नहीं है ना, तो 30 मीटर होगा। 30 मीटर तो जब गोली मारी गई तो वो फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। आप गए दौड़ के वहाँ पे? हाँ, लोग वापिस से जब दौड़े तो हम भी गए थे बाहर, तो हम गाड़ी तक गए थे। तो वो जो जिन लोगों ने गोली मारी उनको कैसे पकड़ा गया? ये नहीं देखे सर, हम यहीं तक रह गए। अच्छा। भागाया गया या कोई? हाँ, दौड़ते हुए गए थे।
लोग दौड़ते हुए गए थे। कुछ उस तरफ भागे थे, कुछ इस तरफ गए थे। अच्छा, स्थानीय लोगों ने पकड़ा था उन लोगों? स्थानीय लोग पकड़े, पुलिस ने पकड़ी उनके साथ। तो देखिए, उस समय वहां जो लोग मौजूद थे उनसे रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में हत्या की गई, जिसके बाद से माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी आवाजें मुंबई की गलियों में गूंजने लगी हैं। सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, और सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या इस हत्या को अंजाम किसी को डराने के लिए दिया गया था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रंजिश थी। सवाल कहीं है, जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए ये पूरा घटनाक्रम आखिर किन परिस्थितियों में हुआ। दशहरे के दिन गोलियों की गूंज,